हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडल स्कूल राजगढ़। दोस्तों, वरिष्ठ ग्रामीण शिक्षक, जी हाँ दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत जो वरिष्ठ शिक्षक हैं, अब अगर वे चाहें तो नगर क्षेत्र में दोस्तों आ सकते हैं, लेकिन जब वो नगर क्षेत्र में आएंगे तो यहाँ का जो कैडर है, यहाँ का जो संवर्ग है, उसके तहत वो कनिष्ठतम शिक्षक कहे जाएंगे। और ऑलरेडी जो नगर क्षेत्र में शिक्षक कार्य कर रहे हैं उनमें वे सबसे जूनियर होंगे, कनिष्ठतम होंगे दोस्तों। तो अगर उन्हें नगर क्षेत्र का मोह है, घर के पास ही रहना चाहते हैं, नगर की सुविधाओं का लाभ लेना चाहते हैं, तो उन्हें ये शर्त मंजूर होगी, तभी दोस्तों वो आ सकेंगे। तो लेकिन दोस्तों, एक बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में दूरस्थ कार्य कर रहे हैं तो नगर क्षेत्र में आपके आने के दरवाजे दोस्तों खुलने वाले हैं। इससे संबंधित ना केवल आपको न्यूज़ दिखाएंगे, बल्कि श्रीमती रूबी सिंह, सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का पूरा आर्डर आप के सामने रखेंगे दोस्तों। तो आते हैं दोस्तों, पूरी की पूरी न्यूज़ कवर करते हैं। बेसिक शिक्षकों का ग्रामीण क्षेत्र से नगर क्षेत्र में होगा समायोजन। ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत बेसिक शिक्षकों का अब शहरी क्षेत्र में नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद रूबी सिंह की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। कहा गया है कि विस्तारित नगर सीमा में आने वाले विद्यालयों एवं उसमें कार्यरत शिक्षकों को विकल्प लेकर ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में समायोजित किया जा सकता है। इस आदेश के बाद ग्रामीण क्षेत्र से शहर में आने के इच्छुक शिक्षकों की वर्षों पुरानी मांग दोस्तों पूरी हो सकेगी। हालांकि नगरीय क्षेत्र में समायोजित किए जाने के बाद संवर्ग परिवर्तन के चलते ग्रामीण शिक्षक अपनी वरिष्ठता खो देंगे व नगरीय क्षेत्र के शिक्षकों से कनिष्ठतम माने जाएंगे। सचिव के पत्र में कहा गया है कि 2006 में जारी शासनादेश के अनुसार परिषदीय शिक्षकों के एक ही जिले में अलग अलग काडर या संवर्ग हैं। जिला विशेष के ग्रामीण क्षेत्र के लिए एक संवर्ग है, जबकि नगर पालिका नगर पंचायत की निर्धारित अधिसूचित सीमा क्षेत्र के लिए अलग अलग संवर्ग है। इस प्रकार यदि विस्तारित नगर पालिका की नगर सीमा अथवा नगरीय क्षेत्र में जो विद्यालय शामिल हो जाते हैं, ऐसे विद्यालयों के शिक्षकों की व्यवस्था के लिए जिले के ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षकों से विकल्प लेकर वरिष्ठता के क्रम में शिक्षकों की आवश्यकता के अनुसार नगरी सीमा में शामिल कर लिया जाए। तो दोस्तों, ऐसे स्कूल जो कि नगरी सीमा में शामिल हो गए हैं, अब उसमें विकल्प के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति होगी, बड़ा फेरबदल होगा दोस्तों, क्योंकि दूर जो ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षक कार्य कर रहे हैं वो भी फॉर्म भरेंगे। तो इसमें होगा कौन, नगर के स्कूलों में जो वरिष्ठ शिक्षक हैं दोस्तों वही नियुक्ति पाएंगे, वही तैनाती पाएंगे। कई जिलों में नगर पालिका व नगर पंचायतों का सीमा में विस्तार हुआ और ग्रामीण क्षेत्र के कई बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय अब नगर क्षेत्र में शामिल हो गए हैं। ऐसे स्कूलों में तैनात होने वाले शिक्षकों के संबंध में परिषद सचिव रूबी सिंह ने निर्देश जारी किए हैं। आदेश में कहा गया कि इन स्कूलों में ग्रामीण क्षेत्र के वरिष्ठ शिक्षकों को ही नियुक्ति मिलेगी, साथ ही जिन शिक्षकों को तैनाती दी जाएगी वे नगर क्षेत्र में कनिष्ठतम माने जाएंगे। आप अगर तैनाती पा जाएंगे तो नगर क्षेत्र के संवर्ग में आप सबसे जूनियर होंगे। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों का हर जिले में 2 संवर्ग है। नगर व ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में नियुक्त शिक्षक स्वेच्छा से एक दूसरे क्षेत्र में दोस्तों तैनात नहीं हो सकते हैं। आइए आपको सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज श्रीमती रूबी सिंह का लेटर भी दिखाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ये है लेटर और मैडम ने ये लेटर लिखा है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश को। और दोस्तों, इसका पत्रांक है बेसिक शिक्षा परिषद 12639-733 और दिनांक दोस्तों जो जारी हुआ है वो अभी 10 अक्टूबर को ही जारी हुआ है, 10-10-19। और मैटर इसमें विषय है विस्तारित नगर सीमा में आने वाले विद्यालयों उसमें कार्यरत शिक्षकों को विकल्प लेकर ग्रामीण क्षेत्र से नगर क्षेत्र में समायोजित किए जाने के संबंध।
महोदय, उपर्युक्त विषय प्रकरण का संदर्भ लें जो विस्तारित नगर सीमा में आने वाले विद्यालयों में शिक्षकों से विकल्प लेकर ग्रामीण क्षेत्र से नगर क्षेत्र में समायोजित किए जाने के संबंध में है। शासनादेश संख्या 1855/79-5-2006-400(3) दिनांक 7/7/2006। दोस्तों जो ये आदेश है, मूलतः यही आदेश है, ये 2006 का आदेश था और इसी 2006 का जो ये शासनादेश था दिनांक 7/7/2006, इसमें लिखा गया है छाया प्रति संलग्न, उसी को एज इट इज़ कंटिन्यू कर दिया गया है। उसमें ये कहा गया था कि जनपद में पड़ने वाली विभिन्न नगर पालिकाओं नगर पंचायतों की निर्धारित अधिसूचित सीमा क्षेत्र हेतु अलग अलग संवर्ग हैं। इस प्रकार यदि विस्तारित नगर पालिका की नगर सीमा अथवा नगरीय क्षेत्र में जो विद्यालय शामिल हो जाते हैं तो ऐसे विद्यालयों में शिक्षकों की व्यवस्था के संबंध में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरांत या निर्णय लिया गया कि संबंधित जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों के समस्त शिक्षकों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ध्यान आपको यहाँ ये देना है कि यहाँ ग्रामीण क्षेत्र के समस्त शिक्षक दिया गया है, तो ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी शिक्षक कार्यरत हैं उनसे विकल्प लिया जाएगा, ना कि जो नगर क्षेत्र में विद्यालय आए हैं केवल उन्हीं शिक्षकों से नहीं लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि ऑलरेडी वो ग्रामीण क्षेत्र में कार्य कर रहे थे, उनका विद्यालय नगरीय क्षेत्र में आ गया, नगरीय संवर्ग में आ गया, तो केवल उन्हीं से ही विकल्प लिया जाएगा। विकल्प ग्रामीण क्षेत्र के समस्त शिक्षकों से लिया जाएगा, उनकी सहमत मांगी जाएगी और उनमें से वरिष्ठता क्रम में शिक्षकों की आवश्यकता अनुसार नगरीय सीमा में उन्हें शामिल किया जाएगा। तो दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र के सभी शिक्षक को ये अवसर उपलब्ध होगा, उन्हें स्वतंत्रता दी जाएगी कि वो फॉर्म भरें और जो वो वरिष्ठता क्रम में जो सीनियर होंगे उनको आवश्यकता के अनुसार जितनी सीटें नगर क्षेत्र में खाली हैं उनको एडजस्ट किया जाएगा, लेकिन शिक्षकों की संख्या वही होगी जो विस्तारित सीमा के अंतर्गत आए हुए विद्यालयों में पूर्व वर्ष की 20 मई को शिक्षक कार्यरत रहे होंगे। तो एक साल पहले 20 मई को जितने भी शिक्षक उन स्कूलों में कार्यरत रहे होंगे वही शिक्षकों की संख्या वहां मान्य होगी। जो शिक्षक नगरीय क्षेत्र में शामिल किए जाएंगे वे नगरीय क्षेत्र के पूर्व से कार्यरत शिक्षकों से कनिष्ठतम माने जाएंगे। सीधी सी बात है, अगर आप नगर क्षेत्र में आएंगे कैडर अलग है, ऑलरेडी वहाँ पे टीचर वर्क कर रहे हैं तो आप जूनियर हो ही जाएंगे। उपरोक्तानुसार जनपद में कार्यरत समस्त शिक्षकों से विकल्प प्राप्त कर विकल्प पत्र की 2 प्रतियों तथा विद्यालय में पूर्व वर्ष की 20 मई की कार्यरत शिक्षकों सहित आख्यास कार्यालय को उपलब्ध कराया जाए। कृपया उपरोक्तानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें। भवदिया श्रीमती रूबी सिंह, सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज। तो दोस्तों आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप जैसे ही फॉर्म निकले, माननीय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय फॉर्म निकालें, आप तुरंत आवेदन करें और नगर क्षेत्र में आ जाएं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, चैनल पे कमेंट करना, लेकिन अगर आप मॉडल स्कूल राजगढ़ के इस खूबसूरत यूट्यूब चैनल पे नए पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। जब भी आप सब्सक्राइब का बटन प्रेस करते हैं बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।